चलो बोलो। स्लिप निकालिए। ये कोरोना की वैक्सीन क्या है, टेस्टिंग हो रही है, फ्री में हो रही है गवर्नमेंट की। हाँ जी मैम, स्लिप निकाल लो। बस हो गया, हो गया। पता भी नहीं लगा। हाँ, पता भी नहीं लगा, दर्द भी नहीं हुआ। पर मैंने तो सुना था कि बहुत दर्द होता है, नाक से होता है, नाक से होता है, तो सेम रिजल्ट आता है। हाँ, और ये इसका रिजल्ट मेरे फ़ोन पर आ जाएगा, 2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा कि कोरोना है कि नहीं। और जो कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। और ये सरकार की अच्छी पहल है और सभी को कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए, बिल्कुल फ्री हो रहा है, एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा। और हमारी दिल्ली पुलिस भी इसका साथ दे रही है। दिल्ली पुलिस तो है ही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट है, सिविल डिफेंस वाले हमारे साथ दे। दिल्ली सिविल डिफेंस, अच्छा सिविल डिफेंस वाले साथ दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, जरूर कराना। ये आप अपलोड कहाँ करोगे? ये मैं फेसबुक पे अपलोड कर रही हूँ, इस समय लाइव चल रहा है, और बहुत से लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं। और आजकल ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा तरीका है लोगों को जोड़ने का, सही बात बताने का कि क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रोज़ पढ़ रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, कोरोना बहुत चल रहा है। हाँ, अब देखिए हम भी फुल पहन कर निकले हैं, मास्क पहन कर निकले हैं। एक एक्स्ट्रा मास्क मैं इसमें लेकर रखती हूँ, ताकि अगर बाई चांस ये खो जाए या रास्ते में किसी के पास ना हो तो हम उसको दे सकें। तो ये चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं। सैनिटाइज़र अपने बैग में रख रहे हैं, पानी की बॉटल अपने बैग में रख रहे हैं। मेरे भी भाई मेरा भी तो इस तरह। और लाइन लगी हुई है, लोग बाग आ रहे हैं कराने के लिए। और ये बड़े ध्यान से सैंपल्स ले रहे हैं, रिकॉर्ड रख रहे हैं, ये देखिए सबका नाम नंबर शीशियों पर लिखा जा रहा है। टेस्टिंग हो रही है, सैनिटाइज कर रहे हैं हाथों को, ग्लव्स पहन रखे हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। कोरोना का से डरिए नहीं, और बस इससे लड़ना है हमें, इसको भगाना है। एक बार भगा चुके हैं, दोबारा फिर भगाना है, बार बार भगाते रहेंगे जब भी ये आएगा। चाइनीज़ बीमारी है, और चाइनीज़ चीज़ों के तो कोई हाथ पैर ही नहीं होते, टिकती नहीं है। या चाइनीज़ चीज़ें तो आना जाना उनका लगा रहता है। और आ रहे हैं लोग बाग, जागरूकता है लोगों में, ये देखिए आ रहे हैं। ये अशोक विहार का इलाका है, फेज़ 2। हाँ जी, अशोक विहार फेज़ 1, ये फेज़ 1 पड़ता है, अशोक विहार फेज़ 1। ये सामने दीप की मार्केट है। और ये बुला कर करवा रहे हैं टेस्ट लोगों को, क्योंकि ये रोड पड़ रही है ना, तो मेन रोड से ही लोगों को बुला रहे हैं कि आप आओ और टेस्ट कराओ। आते जाते लोगों को रोककर उनका टेस्ट कराया जा रहा है। और अब तक सुबह से 150 टेस्ट हो चुके हैं, 150 टेस्ट हो भी चुके हैं। और ये शाम तक अगर लगता है तो मेरे ख्याल 1000 टेस्ट तो एक बूथ पर ही हो जाएंगे। ये टेस्टिंग करा रहे हैं जी, टेस्टिंग हो रही है, कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। तो जीभ से वो लेंगे, नाक में नहीं डालेंगे। दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, हमने भी कराया। टेस्टिंग करा लो, जब फ्री में एक पैसा नहीं ले रहे हैं। हमने तो करा ली। जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, लोगों को स्वस्थ रखना, क्योंकि बीमारी होने के बाद उसका इलाज कराने से अच्छा है कि पहले ही बीमारी को रोका जाए। और इसमें ये नहीं देखे कि कौन करा रहा है, बस ये देखें कि जो भी करा रहा है अच्छा काम करा रहा है। हाँ, नहीं अगर आधार कार्ड सीधे चले जाओ, जीप से उनको चले जाओ, उनको खाली पड़ा हुआ। और ये तो यहाँ पर भी जो को है ना, यहाँ पर भी लगा हुआ है जो, और H ब्लॉक में भी वो है ना डिस्पेंसरी, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। तो बस जागरूकता फैलाइए, कोरोना को भगाइए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग भी मास्क से हमने जो ये मास्क पहने हुए हैं, ये मास्क से छुटकारा मिले हमारे को। और